ग्राम पंचायत पचेका में चल रहा है स्वच्छता अभियान। जनपद अध्यक्ष ने छात्रों और ग्रामीणजनों को संकल्प दिलवाया कि जनपद पंचायत केलारस की सभी ग्राम पंचायतों को करेंगे पॉलिथीन मुक्त। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जनपद पंचायत केलारस की ग्राम पंचायत पचेका में ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे जनपद अध्यक्ष सोहन लाल धाकड़ ने राष्ट्रपिता गांधी की 150वीं जयंती और किसानों के व जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पॉलिथीन मुक्त व स्वच्छ भारत अभियान को बल देते हुए जनपद अध्यक्ष ने छात्रों और ग्रामीण जनों को पॉलिथीन प्रयोग ना करने की शपथ दिलवाई। इस मौके पर क्षेत्र के युवाओं ने सफाई अभियान प्रयास की प्रशंसा की और इस मुहिम में अपना सहयोग दिया। कई ग्रामीणों ने तो सफाई करवाने में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जनपद अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को साफ रहने के साथ ही घर से निकले कूड़े को नाले नालियों में ना फेंकने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा घर में पॉलिथीन के इस्तेमाल ना करने का भी संदेश दिया गया। बापू महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसमें जनपद के अध्यक्ष श्री माननीय सोनलाल जी धाकड़ जी को बुलाया गया। उनके साथ जनपद सदस्य श्री मुकेश शुक्ला जी दोनों उपस्थित हुए। ग्राम सभा की कार्यवाही श्री सोनलाल धाकड़ की अध्यक्षता में की गई और स्वच्छता सफाई का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री जी का संदेश था, उसको पढ़कर सुनाया गया। ग्राम सभा में शासन से जो एजेंडा प्राप्त हुआ उसको मेरे द्वारा पढ़कर सुनाया गया। एक एक बिंदुवार क्रम से कार्यवाही की गई। अध्यक्ष महोदय ने सबका निराकरण मौके पर ही किया, जैसा उन्होंने मार्गदर्शन दिया, शासन के आदेश थे उसी प्रकार अपन ने पालन किया। मुख्यतः प्राथमिक स्कूल से लेकर हेडमास्टर से प्रधान अध्यापक थे और प्राचार्य श्री कैलाश चंद शर्मा भी उपस्थित थे और ग्रामीण श्री मंगल सरपंच पूर्व सरपंच उपस्थित रहे और ग्रामीण जन थे। श्री सोनलाल धाकड़ अध्यक्ष महोदय द्वारा सफाई स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई गई एवं पॉलिथीन मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए पोलोथीनों को स्वयं उन्होंने इकट्ठा किया और हम सब लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया। एक कचरा दान में उनको रखा और झाड़ू भी साफ सफाई के लिए गलियों में लगाई गई। आज क्या किया आपने? आज 2 अक्टूबर को माने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत पचेखा में जनपद पंचायत कैलर्स में आज मैं अपने साथी जनपद सदस्य माननीय मुकेश शुक्ला जी, ग्राम पंचायत के सचिव बी के शर्मा जी एवं वहाँ के समस्त स्टाफ, हायर सेकेंडरी प्राइमरी मिडिल के और बाकी आम नागरिक सभी के बीच मैंने एक स्वच्छ भारत मिशन का महात्मा गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ लोगों को प्रेरित किया और ग्राम पंचायत पचेखा में जाकर के स्कूली बच्चों, स्टाफ, समस्त ग्रामवासियों को साथ लेकर के जो पॉलीथीन मुक्त भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि हम भारत में पॉलीथीन मुक्त भारत बनाएंगे, स्वच्छता का संदेश देंगे, घर घर में शौचालय बने, सफाई हो, स्वच्छता को लेकर के इन्हीं सभी बातों को लेकर के एक शपथ दिलाई गई और वहाँ ग्राम पंचायत में आज ग्राम सभा का मेरी अध्यक्षता में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। वहाँ निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और 3 वर्ष के लिए कार्य योजना बनाई गई। इसमें तमाम बिंदु ग्राम पंचायत के द्वारा सुझाए गए, वो हमने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से पारित कराए गए और मैंने ये नारा दिया है कि मेरी 65 पंचायत है, मैं हर दिन किसी न किसी पंचायत में जाकर के महात्मा गांधी जी के सपनों को, माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी के सपनों को आगे साकार करने के लिए मैं प्रत्येक पंचायत में एक न एक दिन जाकर के वहाँ हर गली मोहल्ले में सफाई करूँगा, पॉलीथीन वहाँ कचरा होगा उसको सफाई कराऊँगा, ये संदेश दूंगा कि महात्मा गांधी जी के जो बताए हुए रास्ते हैं उनको अपन को साकार करना है, उन्हीं रास्ते पर अपन को चलना है। ऐसी मैं सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, ब्लॉकवासियों से, जिलावासियों से निवेदन करता हूँ कि गांधी जी के जो बताए हुए रास्ते हैं उनको अपनाने से हमारी बीमारी, स्वच्छता और जो दृढ़ संकल्प है गांधी जी का उसको आगे बढ़ाने के लिए अपन तमाम प्रयास करने होंगे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है कि आज स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ हो गए, हम स्वच्छ रहेंगे तो बच्चे स्वच्छ रहेंगे, देश स्वच्छ रहेगा तो बीमारी नहीं होगी। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आज ग्राम पंचायत पचेगा में गया और वहाँ पर मैंने सफाई अभियान, पॉलीथीन, सारी कचरा गलियों से बीना और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी अपने कर्मचारियों, भाइयों से, नेताओं से कि गाँव गाँव जा करके हम जब स्वच्छता खुद ही करेंगे
तो स्वच्छता निश्चित होगी, ये मेरा ही संकल्प। धन्यवाद।